हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं गई थी आज घूमने के लिए, ठीक है? और आप देख रहे हो कितना पसीना है, पूरी मेरी टी शर्ट है ना गीली हो रही है, ये देखो। तो मैं सोच रही पसीना थोड़ा सुखा लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि एकदम पसीने में नहाना जुकाम हो जाता है, तो एकदम से नहीं नहाते हो। अभी डस्ट आके बैठी हूँ मैं, हैं, अभी डस्ट आके बैठी हूँ, और आते टाइम दूध का पैकेट लेके आई, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी दूध आता नहीं है दुकान पे, तो मैं सबसे पहले दूध भी ये उधर किसने से। लगा रखा है? मुझे क्या पता, तेरी अलमारी को छूता है? तो गाइस देखो, इस लड़के के कपड़े ठीक है, और इस लड़के को देखो क्या हाल कर रखा है इस लड़के ने। ये गए सब पैसे कहाँ हैं? 30-35 ले गया था। हाँ, अभी सब ले गया। हाँ, और थे कितने रुपए? 50 लेके गया था सुबह, याद है? तो तीस ले गया था खुद ले, इतना तो हमें भी याद है। मैंने नहीं छुआ फिर। ठीक है, 170 से तुम 30 काट लो। हाँ, कितने बचे मुझे नहीं पता। तो तुम गाइस देखो, ये पैसे खुद रख रहा है, 50 सुबह लेके गया, नहीं 20 तीस अब लिए तीस हैं, 30 लेके गया, और 10-20 रुपए अब ले 140 गया, बचने चाहिए थे, तो 50 ये लेके गया है। इसमें बचे हैं 100 रुपए। भैया तू जान, नीचे गिर गए होंगे, ढूंढ नहीं। हाँ, 120 रुपए आप दे रहे थे ना? तो तूने नो कही ना भी 30 रुपए लेके गया भाई सुबह। हाँ, मैंने कही थी 50 रुपए ले जा तू अपने में से। हाँ, मैं तुझे शाम को दे दूंगी। कितने? 50। अच्छा, आपने कहा था 100 रुपए दे दूंगी शाम को, और 20 रुपए जब शाम को लेगा, आपने कहा 120 रुपए दे हाँ, दूंगी। तो कोई नहीं, जब दे दूंगी दे दूंगी तो का? गाइस ये देखो, हम लोग इतना खर्चा करते हैं इस पे तो कुछ नहीं, और अपनी गुल्लक में दिवाली से साल में अगर एक बार आती है अपनी कम से गुल्लक कम। में से इसने अगर 20-30 रुपए अगर हम पे चेंज नहीं है, और इसी ने इसी को ही चाहिए थे, हमें चाहिए भी नहीं थे। कम से कम 5,000 पटाखे बनते हैं भाई दिवाली पे। गाइस आप एक बार बताओ, 5,000 के पटाखे, मैंने इसको ये बोला, गाइस आप ये बताना, मैंने इसको बोला बेटा, मैंने कहा अब इतना तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम जिद करोगे, मैंने कहा 5,000 रुपए तो जोड़ेगा ना, तो 5,000 में से 2,000 रुपए के तू पटाखे लिया, बाकी तू अपने लिए ना अच्छे ना, से कपड़े बनवा ले, दो कोई हजार में अच्छी चीज ले क्या ले आवे? ना तो उसमें जो स्काई काम सोडा, आएगा। ना तो उसमें स्काई सोडा पाए, ना तो उसमें और आलू। उसके पापा ने बोल रखा है कि भाई नहीं, इतने सारे पैसे पटाखों में नहीं फूकने हैं फालतू में। मैं फूक पटाखे गाइस फोड़ने भी नहीं चाहिए दिवाली पे, क्योंकि प्रदूषण का वो अच्छा रहता है, गाइस रुको, प्रदूषण ज्यादा अरे फैलता रुको है। रुको, प्रदूषण है ना, ये रोज तुम्हारी गाड़ियां फैक्ट्रियां चलती हैं, उनसे प्रदूषण तो होता ही नहीं है। साल में एक बार दिवाली भाई आती है वो तो मजबूरी है, क्यों? वो मजबूरी हमारी ये भी है। मजबूरी है, हिंदू धर्म में दिवाली बनाई जाती है, हम तो हाँ बनाई जाती है, बनाई जाती है, ये रूल नहीं है कि पटाखे पटाखों से ही दिवाली बनती है, पटाखों से ही फुलझड़ी तो बनती होती है है, दिवाली। चक्री होती है, इनसे भी पटाखे और दिवाली मैं बनाई तीन हजार जाती दो रहा है। हूँ, 2,000 दे देना पटाखे, मैं अपने दिए आप ले आऊंगा। जलाओ, दिए जलाने से दिवाली बनती है ना, पटाखे फोड़ने से, मुझे मोटे तीन मोटे हजार मैं पटाखे ती, मेरे फोड़ने को से तीन दिवाली हजार नहीं बनती है। मैं 3,000 जोड़ रहा हूँ, दो तो पापा देंगे, अपने पटाखे ले आऊंगा। हम पे नहीं है भाई, पापा तो हाँ कर ना कर, पापा देंगे आपको नहीं देने। कोई बात नहीं, पापा से तो ले लिया, अगर पापा दे दे तो पापा देंगे, पापा बिना जात के मेरा देगा नहीं, पापा ना मुझे देंगे। पता है, ठीक है। ब्रेक तो के गाइस ये टाइम देखो, इतना ब्रेक बड़ा लो। हो रहा है, ये इसको जरा सा भी मतलब वो सेंस नहीं है। गाइस आप मुझे बताना, मैंने कुछ गलत बोला है कि यस पटाखे से यस प्रदूषण फैलता है, ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। दिवाली जो होती है ना वो दियो से बनती है। पहले क्या होता था, जब राम जी सीता जी गाइस को लेके रुको, आए गाइस थे, रुको 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 रुको, जब राम जी राम को जी, एक मिनट रुक जा, जब राम जी सीता जी को लिए अयोध्या लेके आए थे 16 साल के बाद, तो क्या करा था लोगों ने, ढोल बजाए थे, नगाड़े बजाए थे, दिवाली दिए जलाए थे, रंगोली बनाई थी, इनसे होती है, नहीं कि पटाखे फोड़ने से होती है। 5,000 के पटाखे इस बार आएंगे तो आएंगे। अभी दिवाली आई नहीं है, और उसके पटाखे 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 मतलब 2 महीने पहले ही इसको इतना शोर हो रहा है कि मुझे हाँ भाई, पटाखे फोड़ने, मेरे मुझे लिए पटाखे फोड़ने, और पढ़ाई में इससे पूछना कैसा है ये, पढ़ाई में बोल ना, आप बोल, एक नंबर। एक नंबर, हाँ, शून्य एक नंबर। शून्य शून्य गाइस, शून्य। पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और ट्यूशन भी कहते कहते कल इन्हें ट्यूशन की छुट्टी करी, ये लड़का ऐसे करता है। तो आप लोग मुझे, बहने आप सब मुझे बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, या स्पेशल मेरा ही ऐसा करता है। अभी कई दिन पहले पापा से पिटा भी था, पिटा था ना,
वो तो होता रहता है, हर कोई पिटता रहता है हर कोई पिटता रहता है, इसके पाप से बचपन मैं में। इसको बचाती हूँ, और जब वो मारेंगे ना तो बढ़िया करके मारेंगे, और उस दिन इसके चक्कर में गाइस मैं भी पिटती। बात तो गाइस रही थी पढ़ाई की, पहुंच कहाँ गई है? हाँ सही कह रही हूँ, आतरी कंप्लेंट बता रही हूँ, ये भी तो अपने एक फैमिली है ना, इनको बताना जरूरी कि तू क्या करता है। मैं पटाखा फोड़ूंगा मार तो जाएगा। गाइस मैं जा रही हूँ ढाने के लिए, अभी उनका पता नहीं है, साहब का पूछा था तो साहब बोल रहे थे कि रास्ते में, तो चल तो मिलते हाँ हैं, पापा को फोन कर रहे हैं, मैं कॉमेडी बैठ रहा हूँ वीडियो रास्ते बनाती हूँ में मैं जा रहा शॉर्ट। हूँ। बाय बाय।